नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सात जून से गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र। धामी सरकार पेश करेगी अपना बजट। जनसंवाद के जरिए सीएम धामी ले रहे हैं लोगों की राय। सीएम धामी ने देहरादून में भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव एसएस संधु, डीजीपी अशोक कुमार भी रहे मौजूद। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने लिखे हैं उपन्यास। चारधाम यात्रा पर मौसम की मार। यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले हाईवे की सेफ्टी वॉल धसी। करीब 10,000 श्रद्धालु अलग अलग जगह पर फंसे। यह रास्ता खुलने में लग सकते हैं 3 दिन। सीएम धामी के औचक निरीक्षण से नहीं पड़ा कोई असर। दिनेशपुर में 2 कर्मचारी मिले नदारद तो पौड़ी जिले में सरकारी डॉक्टर्स कर रहे हैं मनमानी। प्राइवेट क्लिनिक के जरिए वसूल रहे हैं मनमाने दाम। खटीमा के नौगवा ठग्गू गांव में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई परिवार बेघर तो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर लोग। लेकिन सरकारी तालाबों पर बने राजकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर कब होगी कार्रवाई? और अब खबरें विस्तार से। 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। इसी सत्र में धामी सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी इन दिनों लगातार बजट को आम जनता के अनुरूप बनाने के लिए लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। वहीं धामी सरकार के बजट पर सभी की निगाहें हैं। खास बात यह है कि बजट पेश करने के पूर्व इसे लेकर आम जनता की राय जानी जा रही है। राज्य का बजट सामान्य जनता का बजट बने इसके लिए नैनीताल के बाद देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। राज्य की परिस्थिति और आर्थिक को साथ लेकर चलना है। उत्तराखंड आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम सब अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आईआरडीटी ऑडिटोरियम में एक उपन्यास का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार लीलाधर जंगोड़ी, मुख्य सचिव एसएस संधु, पूर्व मुख्य सचिव नृप सिंह नपलचियाल, डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखे गए हैं। अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री लीलाधर जगोड़ी जी का उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का रैला उमड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा पर मौसम की मार भी जारी है। इसी बीच यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले हाईवे की सेफ्टी वॉल धस गई है। इसमें करीब 10,000 श्रद्धालु फंस गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये सभी श्रद्धालु अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये मार्ग खुलने में करीब 3 दिन लग सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हाईवे की सेफ्टी वॉल धसने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके चलते गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि प्रशासन छोटी गाड़ियों से यात्रियों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। तीर्थयात्रियों से यह अनुरोध है कि केवल 1-1.5 घंटे का संयम रखें। हमारे एनएच के
जितने भी चाहे हमारे एक्सल साहब है चाहे सभी ने हमारे यही है यही है या सारे कर्मचारियों ने बहुत पूरी रात रात रह के यहाँ पे काम किया और एक डेढ़ घंटे में यहाँ पे रोड जाएगा। सभी यात्री बस केवल एक डेढ़ घंटे और संयम से काम ले और उसके बाद सारी यात्रा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। यातायात सुचारू करने के लिए पूरी रात काम चला है, छोटे वाहन चल रहे थे इसलिए रात्रि देर से काम प्रारंभ हो सका, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने इसमें वाहन सुचारू करने के लिए कार्य मुझे लगता है एक डेढ़ घंटे पूर्ण हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के देहरादून प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने कार्यालय में पहुंचकर नमन किया। बिष्ट ने बताया कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा ने हमेशा अपने जीवन में कई संघर्ष किया और वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे जिन्हें सदैव जल जंगल जमीन की लड़ाई को सर्वोपरि रखा। ये बहुना जी केवल उत्तराखंड नहीं केवल टिहरी नहीं बल्कि भारत के बेटे थे। एक साल पहले वो हमसे बिछुड़ गए। हम सब ने मिलकर के उस पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने के साथ उन्होंने अपने जीवन काल में लाहौर से शिक्षा हासिल करने के बाद ठक्कर बाबा जी के संपर्क में आने पर 1949 में जिस तरह से टिहरी में ठक्कर बाबा छात्रावास की स्थापना के साथ छुआछूत के खिलाफ अपने जीवन का पहला आंदोलन शुरू किया वो हम सब के लिए प्रेरणा का विषय। उन्होंने 16 दिन तक शराब विरोधी आंदोलन के लिए धरना दिया, उपवास किया। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए लंबे समय तक 1980 से लेकर के 2004 तक टिहरी बांध के खिलाफ एक मोर्चा खोला। उन्होंने पूरे जीवन भर चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किया। उनको वृक्ष मित्र कहा जाता था। उनको 7 या 8 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। केलाखेड़ा नगर पंचायत के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्रम पठान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 172 मतों से पराजित किया है। मतगणना के बाद अक्रम पठान के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से नगर में विजयी जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। आपको बता दें कि केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का उपचुनाव न्यायालय के आदेश के बाद कराया गया है जिसको लेकर मतदान कराया गया था। भाई न्याय नहीं मिला तो न्याय की शरण ले जाती है। 18 में हमें न्याय नहीं मिला, हमारे साथ जाती हुई, हमें 100 वोटों से हारा गया। वो उसी बात को लेकर हम न्यायालय गए, उसमें जनता की हमारी दुआएं थी, जीत हुई हमें। और मुझे केलाखेड़ा का विकास के लिए ये दुआएं मिल रही हैं, मुझे भी केलाखेड़ा का विकास करना है। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हर आदमी जो उसमें रहने वाला है उसे पूरी मूल समस्याएँ मिलेंगी और नगर को सौंदर्यकरण सभी तरह से सुज्जित किया जाएगा और जो भी ज़रूरत है हर नागरिक की उसको वो उपलब्ध कराई जाएगी। 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और मतगणना कार्य बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में हुआ और सभी जो उनके एजेंट गण थे उन्होंने किसी ने भी किसी तरह का बड़ा डिसिप्लिन बनाए रखा, मैं उनका आभारी हूँ इसलिए। और हमने सभी उसका जो है प्रत्येक टेबल पे काफ़ी ध्यान से उसका किया कि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और यह कि अभी मतगणना संपन्न हुई है जिसमें श्री अक्रम खान जो हैं वो 172 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और मैं उनको बधाई देता हूं। दिनेशपुर में तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने पंचायत कार्यालय में औचक निरीक्षण किया जिसमें 2 कर्मचारी नदारद मिले, लेकिन कुछ ही देर में दोनों कर्मचारी पहुंच गए। छापेमारी के दौरान नगर पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारी एवं अधिकारी समय से उपस्थित हो एवं जनता का कार्य समय से हो। पंचायत में आने का कारण ये रहा कि जो शासन की मंशा है कि कार्यालयों में समय से सारे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति हो और जो है जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो है अचानक
ये परीक्षण करने के लिए निरीक्षण किया गया कि नगर पालिका दिनेशपुर में कर्मचारी टाइम से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं 10:15 बजे कार्यालय में जब निरीक्षण किया गया उस टाइम पर ईओ और जो है इनके अकाउंटेंट अनुपस्थित थे और कुछ विलम्ब से उपस्थित हुए, जिनको जो है भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की चेतावनी देते हुए समय से कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए तथा यदि किसी कार्यवश बाहर जाना होता है तो उनको मूवमेंट रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए और बाकी एक अनुशासक अनुपस्थित मिले जिनके एक दिन के वेतन काटने की संस्तुति की जा रही है। लक्सर क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान 2 मेडिकल स्टोर्स को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में लगातार नारकोटिक्स दवाइयों को युवाओं को बिना डॉक्टर के पर्ची के बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें खामियां पाए जाने पर मेडिकल स्टोर मालिकों को सचेत किया गया। साथ ही बिना डॉक्टर के पर्ची द्वारा प्रतिबंध दवाइयों को न बेचे जाने के निर्देश दिए गए। रायसी कुड़ी भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र का दौरा किया गया है। मोस्टली जो शिकायतें मिलती आ रही हैं वो नारकोटिक सब्सटेंसेस के मिसयूज के ही बारे में जो शिकायतें मिलती हैं कि युवा पीढ़ी को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेची जा रही हैं, ऐसा शिकायत मिली हुई थी। ऐसी इसी के चलते मेरे द्वारा आज यहाँ का दौरा किया गया, जिसमें कुछ मेडिकल स्टोर तो नॉर्मली जिनमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया और छुटमुट कमियाँ पाई गई उन्हें सुधार करने के निर्देश दिए हैं और दवाइयों का सही तरीके से रखरखाव और दुकानों पर CCTV कैमरे इंस्टॉल होने की बात हिदायत दी है। दूसरा खन्ना मेडिकल स्टोर और आर्यन मेडिकल स्टोर पर कुछ गहन अनियमितताओं के चलते मेरे द्वारा उसे अभी फिलहाल बंद करने के निर्देश। उत्तराखंड प्रदेश में एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों की तैनाती के लिए छापा मार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी बेखौफ होकर अपनी सरकारी कार्य को छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। मामला पौड़ी जिले के अंतर्गत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसैंड का है, जहां कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा नगर पंचायत सतपुली में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी डॉक्टर द्वारा अपने सरकारी समय में प्राइवेट क्लिनिक में बैठकर प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है। साथ ही बताया कि डॉक्टर द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोगों द्वारा मेरे को कई बार अवगत कराया गया कि जो नगर पंचायत सतपुली में एक सरकारी डॉक्टर है और वो सरकारी डॉक्टर यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। और जो हमने भी देखा है या कई लोगों ने भी हमें बताया कि वो डॉक्टर जो है यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही अपने क्लिनिक पर बैठ जाता है, तो सुबह 9 बजे का जो समय है वो अपने संस्थानों में जाने का है। और डॉक्टर को जब पूछा जाता है कि आप सरकारी टाइम में आपका तो आज ड्यूटी का टाइम है और सुबह 9 बजे 10 बजे आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, तो डॉक्टर का जवाब यह देखने को मिलता है कि सुबह मैं सुबह 5 बजे से अपनी ड्यूटी पर हूँ। और जैसे कि वो RBSK में है तो उनका कार्य जो है स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में जाने का है, तो सुबह 5 बजे कौन सा आंगनबाड़ी और कौन सा स्कूल खुलता है, तो ये सरासर झूठ है। और सबसे पहले इस संबंध में हमने जो है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, CMO को जो है कि अवगत कराया, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी के समय में यहाँ प्राइवेट क्लिनिक चलाता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। कोई सरकारी डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी अपने फायदे के लिए अपना निजी क्लिनिक या निजी व्यवसाय चलाता है तो वो गलत है। तो इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि सरकारी जो धन का दुरुपयोग है, एक किस्म से अगर कहें तो सरकारी धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और साथ में अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं, तो दो दो वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है और इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है अंग्रेजी दवाई नहीं लिख सकते। दूसरा ये है कि सुबह 5 बजे कोई जो है आंगनवाड़ी का हमने सुनने में नहीं आया कि आंगनवाड़ी सुबह 5 बजे जो है खुलती हो। नियमानुसार तो जो है सरकारी डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता, बाकी अब सब ऐसे ही चल रहे हैं। नहीं, इस तरह का तो कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है मामला, और आप ही के द्वारा भी ये जो अवगत कराया गया मुझे इस संबंध में, मैं अपने MYC से भी मैंने अभी जो है पूछताछ की है और इसकी जांच करा के जो भी अगर ऐसा कृत्य है तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
नहीं नहीं ये हमारे यहाँ वैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है पोस्टेड, ये RBSK में रखे गए हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसमें जो है आयुर्वेद वालों को भी रखा गया है। नहीं नहीं क्लिनिक में अगर एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं वो एक अलग इशू आ जाता है। देखिए ना, पहली बात तो ये क्लिनिक ही जो है उन्होंने कैसे खोला है, हैं, लेकिन अगर उसमें क्लिनिक में बैठ करके भी आयुर्वेदिक दवाई दे रखे हैं तो वो अलग विषय हो गया, उसकी अलग से जाँच कराई जाएगी। बाकी ये तो RBSK टीम में हमारे यहाँ हैं, और अगर ये ड्यूटी समय में अपना क्लिनिक खोले बैठे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी इनके। खटीमा के नौगवा ठग्गू गांव में SDM तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकानों व दुकानों को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से कई परिवार बेघर हो गए और अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। वहीं सरकारी तालाबों पर बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्रवाई नहीं हुई। SDM के अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। वहीं अब देखना यह होगा कि सरकारी तालाबों पर बने सरकारी स्कूलों व बिल्डिंगों पर भी बुलडोजर चलेगा या केवल गरीबों के आशियाने पर ही चलकर बुलडोजर थक जाएगा। तालाबों या सार्वजनिक रूपों की भूमि है इसमें अतिक्रमण हटाने के हमें आदेश प्राप्त हैं। इसी के क्रम में पहले हमने मझोला में कार्रवाई की थी, आज नौगांव ठगू में 5 मकान जैसे 4 पक्के हैं और एक कच्चा है उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाए। मझोला की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अभी हमारे पास और भी तालाब है जिसमें से पक्के अतिक्रमण टूटे हैं, वो एक के बाद ही हम उनको तो ये 9 है जो उसके टेम्परेरी झाले थे वो पहले ही हटा दिए गए। सर कहेंगे जितने भी चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो जो भी तालाब में बने हैं वो हटेंगे। तो ये BU को नोटिस जा चुका है और DPR को पंचायत घर के लिए उनको नोटिस चल रहा है। काशीपुर में दुकानदार के गले से हजारों रुपए की रकम चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कुंभनगरी देवप्रयाग में गंगा स्नान व रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला की 23वीं डोली रथ यात्रा कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इससे पहले डोली यात्रा पहली बार नरसिंह मंदिर मुनेठ पहुंची। यात्रा के दर्शन के लिए स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गंगा मैया के जयकारे के साथ डोली ने संगम पर स्नान किया। जगदीशिला डोली इस वर्ष 23वें साल में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर जा रही है और ये 30 दिन की यात्रा है। इस समय डोली ने पूरे उत्तराखंड में 165 नए स्थानों पर जाना है ताकि जो हजार धाम स्थापन की जो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला का संकल्प है वो पूरा हो सके। विगत 20 वर्षों में जो डोली ने भ्रमण किया 141 स्थान पर गई और इस बार 165 स्थानों पर जाएगी। तीर्थाटन प्रदेश हमारा बने, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि का जो स्वरूप है वो साकार हो सके इस डोली का ये मुख्य उद्देश्य है और विश्व में शांति हो सके, हमारी देव संस्कृति जिंदा रहे और जो हमारे 4 धाम हैं इसके साथ साथ हजार धाम उत्तराखंड में स्थापित हों इस यात्रा का उद्देश्य है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।